गुरुवार को जिला अस्पताल के प्रेरणाश्री सभागार में सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे ने फाइलेरिया से बचाव का खुद दवा खाकर और 11 वर्षीय अंशुमान पटेल को दवा खिलाकर 12 मई से 27 मई तक होने वाले एमडीए अभियान का शुभारंभ किया, जिसके उपरांत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने संबोधन से सबको जागरूक किया। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि विश्व के 40% फाइलेरिया मरीज भारत में रहते हैं। देश के 256 जिले में और प्रदेश के 50 जिले फाइलेरिया से प्रभावित हैं। देश में 8.4 लाख लोग हाथी पांव जबकि 3.8 लाख लोग हाइड्रोसिल से ग्रसित हैं। फाइलेरिया के कारण होने वाले हाइड्रोसिल सर्जरी हो जाती है, लेकिन हाथ पर स्तन शरीर के अन्य अंगों पर सूजन पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया या हाथी पांव कुरूपता और अपंगता की बीमारी है। इससे बचाव का सबसे सरल और आसान उपाय साल भर में एक बार एडमिनिस्ट्रेशन राउंड के दौरान 5 साल तक लगातार फाइलेरिया से बचाव की दवा का सेवन करना चाहिए। इस दवा का सेवन ना करने वालों को अगर एक बार हाथी पांव हो जाता है तो बीमारी सिर्फ आंशिक नियंत्रण संभव है। इसलिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की टीम सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को डोर टू डोर जाकर दवा खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील है कि इस एक औषधि को इस्तेमाल कर अपने देश प्रदेश और अपने जनपद को स्वस्थ बनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, और एक गोली अल्बेंडाजॉल खानी है, ये हमको फाइलेरिया से होने वाली भयानक बीमारी से बचाएगा। ये वर्ष भर में एक बार खाई जाएगी और लगातार 5 से 6 बार तक अगर हम खा लेते हैं, 2 साल से कम के बच्चे जो है और गर्भवती माताएं हमारी जो है और साथ ही साथ जो अति गंभीर रूप से बीमार है वो, तो आज हम लोग माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को दवा खिला करके इसका शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात हम सब लोग मिला करके एक साथ डीसी हम लोग पानी से खाएंगे और अल्बेंडाजॉल उसके बाद हम लोग चबा करेंगे। वैसे नहीं कर सकते, एक सवेरे खाइए, क्योंकि शरीर में हमारे जो माइक्रो फाइलेरिया है उसकी उम्र के हिसाब से डोज है 300 मिलीग्राम की, वो एक साथ खाने पर ही वो माइक्रो फाइलेरिया नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है और सभी लोग दवा खिला करके जांची पर की दवा है, इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं। तुम पंचन जाने हो? इसके लिए हमारे यहाँ टीम बनी हुई है, यदि कोई इस प्रकार की परेशानी होती है, थोड़ी बहुत किसी को मिथली आती है और वो भी अगर मिथली आती है तो ये मान के चलिए कि आपने बहुत सही समय पे दवा खा ली, आपके शरीर में अब माइक्रो फाइलेरिया एकदम बिल्कुल तैयार था कि आपका हाथ और पैर फुला देगा और आप माइक्रो फाइलेरिया से ग्रसित हो जाए। काम घर ले जाए खा ली सर? नहीं, हमारे सामने इसको खाना है, क्योंकि नहीं खा ले नहीं हमारे सामने ही आपको खाना है, इसलिए खाना है क्योंकि हमारे सामने खा लेंगे तो हम ये मान जाएंगे कि हाँ हम लोगों ने सभी लोगों को दवा खिलाई, लेकिन हमें मालिक से पूछना है, मालिक को भी आएंगे उनको भी हम लोग दवा खिलाएंगे, मालिक को भी खिलाएंगे नहीं जाने की जरूरत नहीं है, और हम लोग अभी हैं यहाँ पर, आप दवा खाइए, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग मौजूद आप कहते हो तो हम खा लेते, लेकिन देखते हो तो ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप खा रहे हैं हमको चीज, हमको दवा खानी चाहिए कि नहीं खानी? एकदम बिल्कुल खाइए, कोई दिक्कत नहीं जान रहे, इसके लिए 50 करोड़ देखिए, आज एमडीए प्रोग्राम का आज शुभारंभ था। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया
और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी ने सर्वप्रथम दवा खा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके पश्चात हम लोगों ने उनको अनुसरण करते हुए जनपद में मैंने सर्वप्रथम दवा को खाई। इस दवा का खिलाने का परिप्रेक्ष्य ये है कि जो फाइलेरिया होता है, जो हमारे शरीर के अंगों में विकृतियां पैदा कर देता है, उससे निजात दिलाने के लिए सरकार की ये बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है, जिसके तहत इसमें प्रत्येक नागरिक को दवा खानी है। अगर हम गोरखपुर जनपद की बात करते हैं तो इसमें दवा खाने वाली जनसंख्या लगभग 51 लाख के आसपास है, जिसमें हमारी टीमें जो हैं घर घर जो है 1 लाख घरों में आसपास जाएंगी, और इसके लिए हमारी 4078 टीमें बनाई गई हैं। और इसके साथ साथ हम लगभग 1,25,00,000 टैबलेट और 50 लाख टैबलेट जो है एल्बेंडाजॉल की खिलाएंगे। इसमें हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की टीमें जो हैं घर घर जा कर के अपने सामने दवा खिलाएंगी। जो व्यक्ति 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का होगा उसको जो है 1 टैबलेट DEC की और 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल की खानी होगी, और जो 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष का होगा उसको 2 टैबलेट DEC और 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल खाना होगा, और जो व्यक्ति 15 साल से ऊपर का होगा उसे 3 टैबलेट DEC और 1 एल्बेंडाजॉल खाना होगा। दवा खिलाते समय खास बात का ध्यान रखना है कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, गर्भवती माताओं में और जो गंभीर रूप से ग्रसित बीमारी से हैं उनको दवा या नहीं खिलानी है। इसमें हमारी आशा बहनें सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को जाएंगी घर घर में दवा खिलाएंगी, और जो व्यक्ति घर पर नहीं उपलब्ध होगा उसके घर ये सूचना दे देंगी कि दवा हमारे घर इनकी रखी हुई है, आके दवा खा जाएंगे। अगर वह व्यक्ति दवा घर खाने नहीं जाएगा तो आशा बहन अगले दिन जो है या रविवार के दिन या जिस दिन हमारा इम्यूनाइजेशन, जिन दिनों को हमने ऑफ बताया है, मतलब बुधवार और शनिवार के दिन, वो जा कर के उनको दवा खिलाएगी। दवा खाने में सावधानी ये बरतनी है कि एल्बेंडाजॉल की टैबलेट को पूंछ के खाना है, DEC की टैबलेट को पानी के साथ निगल के जाना है। दवा खाने के बाद जो है लगभग 100 लोगों में 1 आदमी को कभी कभार जो है बदन में थोड़े से रैसेस हो सकते हैं या हल्का सा बुखार आ सकता है। वो सिर्फ इसलिए होगा कि दवा, जब कीटाणु जिसके शरीर में फाइलेरिया के कीटाणु होंगे, जब ये दवा खाने से उनकी मृत्यु होगी तो एलर्जिक रिएक्शन, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप तुरंत अपने, अगर कोई ऐसी असुविधा होती है तो हमारी आशा बहन से संपर्क कीजिए, और हमारी RRT टीम, चिकित्सकों का विशेषज्ञ दल गठित किया गया है, वो आपसे करेगा। और ये हमारा प्रोग्राम 27 तारीख तक चलेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि हमने दवा खा ली है, आप सभी लोग इस दवा का सेवन करिए। यह दवा वैज्ञानिकों के द्वारा पहले जांची परखी गई है, पूरी तरह से सुरक्षित है। आप लोग इसको खाएंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो गोरखपुर स्वस्थ होगा, गोरखपुर स्वस्थ होगा तो हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा, और प्रदेश स्वस्थ होगा तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है सभी लोग इस औषधि का प्रयोग करें, स्वस्थ रहें, और अपने इष्टजनों को, परिजनों को और अपने आसपास के लोगों को भी दवा खाने के लिए प्रेरित करें।